हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे कुलदीप का मुंडन हो रहा है। कुलदीप का मुंडन दो जगह बुला हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे हम आए हुए और वैष्णा देवी। तो यहाँ पे हमने थोड़े थोड़े, इतना बड़ा हो गया वो कटवा नहीं रहा था, उसके थोड़े थोड़े से बाल कटवा दिए। और एक रसम होती है, बहनों के हाथ में दिए जाते हैं। एक तरफ बहन खड़ी थी, एक तरफ मैं खड़ी थी, देख सकते पापा हैं। और वो है, ये देखो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। क्या और दिख भी रहा है आप लोगों को, बस हो गया। पर भैया बहुत यहाँ पे मुंडन वगैरह कराने बहुत झंझट होता है। एक डेढ़ घंटा खड़े रहे, तब जाके हमारा कहीं जाके नंबर आया। तो फाइनली कुलदीप इतना बड़ा हो गया, अब जाके उसका मुंडन हुआ। पहले उसका मुंडन नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे बाल तो कटे हुए हैं, मतलब हमने बाल काट के इसके, क्योंकि डर रहता है ना, जरूले होते हैं, तो रख लिए थे। पर तब भी सर में से तो थोड़े से निकालने ही होते हैं। अब यहाँ से हम ये मंदिर से जाएंगे सिद्ध बाबा के पास, क्योंकि वहाँ के बिना यात्रा अधूरी रहती है। अच्छा, यहाँ कुलदीप हम सबको खाना खिला रहा था। अच्छा, एक बात, एक दो लोग कह रहे हैं कि खुद तो इतना घूम फिर रही हो, वहाँ हस्बैंड तो भूखा प्यासे रह रहे हैं, ये वो। अरे तो रोज़ रोज़ थोड़ा आती हूँ। हाँ, मुझे भी पता है मेरे हस्बैंड को खाना पीना बनाना नहीं आता है। वो पता है क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए फ़ोन आया था मेरे पास, प्रीति तू कैसे खाना खा रही, खाना खाते समय तुझे याद नहीं आई। यहाँ पे देखिए कुलदीप, हम लोग खाना घर से बना के लाए थे, सबको खिलाने में देखो कैसे लिपटे हुए, क्योंकि हम आधा आधा क्या बहुत सारा खाना बना के लाए थे, इतने सारे लोग थे। कुलदीप सबको खिला रहा है। मिर्ची की सब्जी लाए थे, आम का अचार लाए थे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, देखिए कितना खरीद पाएंगे। तो मैं हूँ, वैष्णवी है, वंशिका है, सोना, पापा मम्मी नहीं है, पापा मम्मी साइड से बैठे हैं। हम चारों पांचों बहन भाई खाने में लगे हुए। देखो कुलदीप सबको बारी बारी से खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा से। तो उसने मुझे खिलाया, मोनिका को खिलाया। तो ये लास्ट, ये शनि महाराज है, यहाँ पर देखिए गुरु जी बैठे हैं। बस यहाँ पर यही था, इतना ही यहाँ पर। अच्छा, ये नेपाल का बॉर्डर कल की वीडियो में दिखाया या नहीं दिखाया, ये इधर की नदी है और उधर की थोड़ी थोड़ी सी किल पे लिए। ये देखिए इस तरीके से बहुत आवाज़ आ रही थी, बहुत पानी कहते हैं रुकता नहीं है, पर यहाँ पे तो भैया पानी रुक गया था। इतने बड़े बड़े फाटक लगा रखे थे, यहाँ से ही नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है। ये देखिए, और ये देखिए, ये पहाड़ों का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा, मतलब सारे पैरों की थकान इस पानी के अंदर आके हमारी निकल गई थी, इतना पानी ठंडा है। पर यहाँ से आगे जाने के बाद ये पैरों में रेत लग गया था, जिससे छाले पड़ गए थे पैरों में, क्योंकि रेत तो आपको पता है पैरों को छील देता है। तो अब जा रहे हैं हम सिद्ध बाबा के पास। ये सिद्ध बाबा का रास्ता है, ये जो नेपाल में, ये नेपाल शुरू हो गया है यहाँ से। देखिए अब बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोग गए हैं, बस यहाँ पे दो लोग ही नहीं गए थे, तो कमी थोड़ी सी खल रही थी। ये देखो भाई मोनिका। अच्छा, यहाँ मम्मी नहीं आई हैं, मम्मी बच्चों को लेके पीछे ही बैठ गई हैं, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे बच्चे थे। और ना ये यहाँ मंदिर से काफ़ी दूर हैं, ये नेपाल के, नेपाल में ही हैं, तो मम्मी वहीं रह गई थी। ये देखिए बहाव, देखिए नदी का बहुत तंगड़ा वाला बहाव है। यहाँ पे हम लोग खड़े थे, ये पूरा का जिस जो जो वीडियो में अभी ये क्लिप दिखा रही हूँ, ये नेपाल की है, नेपाल में हमने एंट्री कर ली है। यहाँ पे हमारा आधार कार्ड हमसे मांगा गया, पापा अपना आधार कार्ड लेके गए थे, मेरे पास फ़ोटो था, पर उन्होंने बोला एक दिखा दो, आप लोग हो तो इन्हीं के साथ। मैंने वो हम पापा ने बोला हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो हमारा आधार कार्ड चेक किया, तब हमें आगे जाने दिया। आप लोग भी अगर आते तो आप अपनी आईडी वगैरह साथ लेके आए, नहीं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा बॉर्डर है, उस तरफ भी सिपाही हमारे बैठे हुए थे, इस तरफ नेपाल के सिपाही बैठे हुए थे, दोनों तरफ बैठे हुए थे, दोनों तरफ चेकिंग था। ये देखिए, ये प्रसाद ले लिए, यहीं से लिया था हमने प्रसाद, वहाँ से नहीं लिया था। तो ये देखिए, ये मंदिर आ गया सिद्ध बाबा का। यहाँ पर परिक्रमा होती है, और यहाँ पर एक छोटा सा आग का वो होता है, उसी में अगर ती डाल देते खुद से जल जाती है। यहाँ पे ये देखिए, ये परिक्रमा लगाई है, प्रसाद जैसे कि हमने बताया वहीं से लिया है, जो था थोड़ा बहुत ही बन पाया, ज़्यादा नहीं बन पाया, बैटरी सबकी लो हो गई थी, सब मोबाइल स्विच ऑफ। ये लेडीज हमारी वीडियो में कुछ ज़्यादा दिख रही हैं, वो जो गई रेड सूट वाली। हाँ, मैंने बहन को प्रसाद दे दिया, मम्मी का मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि वंशिका वैष्णवी सब बुरी तरह से थक गए थे, रोए जा रहे थे बच्चे बहुत। देखिए सामने यहाँ पे, मतलब पार्क वगैरह बहुत सुंदर। यहाँ पे स्टार्टिंग में जाते हैं तो यहाँ अगरबत्ती लगाते हैं, ये
देखिए यहाँ पे लाइन है, मैं पास से कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए आप लोग भी माथा टेक लीजिए, साफ साफ दिख गए ना, सिद्ध बाबा यहाँ के बिना अधूरा है। ये देखिए ये पूरा बॉर्डर मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाई। यहाँ से हमने फिर हम वापस चले गए थे और यहाँ पे नींबू पानी देते हैं, एक जगह महंगा एक जगह सस्ता, ये है। यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है क्योंकि पानी दूर दूर से लाते हैं और ऊंचाई पे पहाड़ बड़े खड़े खड़े हैं, आप सबको पता है। देखो रात में हम यहाँ पे है ना स्टेशन पर आ गए, कुछ भी नहीं पता अभी तक यहाँ ट्रेन कब आएगी। और दी ये री, हाय दी, और बड़ी दी ये री, हाय। और मम्मी भी है, जब से दी यहाँ पे आई है उनका ब्लॉग कुछ तो मैं बना देती हूँ थोड़ा बहुत। अब तो वैसे भी ये चली जाएंगी है ना, पर अभी तो नहीं जाने दूंगी मैं इनको, रोक के रखूँगी। अभी तो कुछ पता भी नहीं कितना टाइम हो गया और यहाँ पे भी तो बस वगैरह ट्रेन वगैरह कुछ आई नहीं है और कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कब आएगी। बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, अब देखते हैं कब ट्रेन वगैरह आई। रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत टाइम से हम यहाँ पे लेटे हुए हैं और देखते हैं। तीन दिन हो गए हमें निकले हुए हैं, पर एंजॉय भी बहुत किया हमने, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। देखो ट्रेन आ गई है, बट पर ये ट्रेन तो आ रही है लेकिन हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आ रही, पता नहीं हमारी ट्रेन कब आएगी। जब भी आएगी बताएंगे, हम बताना मैं कैसी ब्लॉगिंग करती हूँ, है ना। वहाँ पे बहुत पहाड़ खड़े खड़े थे तो ना पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर गए थे, फिर सीढ़ियाँ हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ मम्मी मुझे पैसे दे रही थी कि रख लो, मैंने बोला नहीं मम्मी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मम्मी ने लिए थे ना तो मैंने बोला नहीं मम्मी नहीं लेने। और देखो गुल्ला कैसे पैसे लेने में लगी। यहीं पर हमने रात बिताई थी क्योंकि ट्रेन थी हमारी निकल चुकी थी, सुबह की थी, हम यहाँ पर शाम को आए, तो बस बहुत भटकते रहे, पूरी रात हमें यहीं बितानी है, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, अब हम सीधे यहाँ से घर जाएंगे। हमने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मोबाइल चार्ज पे लगाया तब भी नहीं हो पाया। ये पैसे मांग रही है, इसके पर्स में 1000-2000 रुपए रहते ही रहते हैं। हाँ ये देखो देखो टंकी, देखो ये मुझसे भी बड़ी है, ये देखो ये डाली है चुन्नी, हमें ना चाहिए। और मोनिका क्या कर रही थी आपको समझ में आया? मोनिका जो मम्मी मुझे पैसे दे रही थी ना, वो मोनिका मांग रही थी, बोरी मम्मी दे दो अल्लाह के नाम पे दे दो, ऐसे कर रही थी, मजाक कर रही हूँ, मजाक में ऐसे कर रही थी, आप सीरियस मत हो जाना। कुलदीप मोनिका ऐसे ही करते रहते, मैं भी ऐसे ही करती, बहन भी ऐसे ही करती। देखिए पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ है, बाहर भी लोग बाग लेटे हुए। वंशिका कह रही है मम्मी मंदिर पर बता दो, सबसे पहले मैं चढ़ी। वंशिका सबसे पहले मंदिर में चढ़ी थी, बहुत जल्दी चल रही थी, फिर मैं थी। तो यहाँ पे यहाँ से ना पापा चले गए, आप लोग बोले पापा कहाँ गए, पापा चले गए हैं गांव, क्योंकि इतनी सारी भी अब मत बोलना पापा को दिखाया नहीं, इतनी सारी वीडियो में पापा हैं, अब पापा गए हैं गांव। यहाँ से सीधा उन्होंने कासगंज की ट्रेन पकड़ ली थी, कासगंज की ट्रेन थी, हमारी नहीं थी। ये कुलदीप दो बोतल पानी लेके आए, और देखिए ट्रेन में कितनी भीड़ है, हम लोग बैठ गए हैं। ये देखिए
मैं यहाँ इन भैया सबके पैरों के नीचे बैठी हूँ क्योंकि ये एक्सप्रेस वाली है, बिल्कुल भी हमें नहीं पता था इतनी भीड़ रहती है। पता है मैं चढ़ गई, दीदी तो पीछे ही रह गई थी, फिर एकदम से उनको चढ़ाया। देखिए सांस लेने की जगह नहीं है, पर क्या करें, और कोई ऑप्शन नहीं था, हमने टिकट कटा लिया था। अच्छा है फाइनली हम घर पे आ गए हैं और यहाँ पे मम्मी पूड़ी सब बना रही है मेरे जाने के लिए। यहाँ पे मम्मी ने इसमें बेसन डाला है, थोड़ी सी मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, अजवाइन डाली है, काली वाली वो क्या होता है उसको डाला है, देखा पाउच आपने, और इसमें थोड़े थोड़े मसाले, चटपटी वाली पूड़ी, क्योंकि घर पर जाके फिर मुझसे खाना नहीं बनाया जाएगा ना, बस इतना ही ठीक है, इतना ही रुक पाई क्योंकि नहीं हो पा रहा था ना सोना की वजह से। और अब स्कूल भी खुलने वाले थे, तो ये देखिए मोनिका बैठी है। और मिर्ची ये वाली पूड़ी ना ख़राब नहीं होती हैं, और इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे गूंद लेंगे आटे को अच्छे से, और बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, दूध डालें, इससे ना पूड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस यहाँ गरम गरम पैक नहीं करना है, ठंडे होने के बाद पैक करना है। यहाँ पर ये कड़ी पत्ते डालें इसमें, आप लोग भी ट्राई, कहीं जाओ ना तो आप ये वाली पूड़ी ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको गूंद के अगली वीडियो में दिखाऊंगी कितनी सारी पूड़ियाँ बनाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मम्मी के लिए भी रखे गई थी, क्योंकि पापा के लिए भी गांव में मतलब कोई नहीं है ना, तो पापा भी इसमें से पापा को भी दे देंगे, भाई जाएगा तो भाई के साथ पापा के लिए रख देंगे। यहाँ पे ये नमक डाल दिया है, बस आटा गूंद के और इसको सेक देंगे। देखिए आटा थोड़ा नहीं है, काफ़ी है, 2-3 किलो है आटा, दिख भी रहा होगा आपको तो इसको। और ये देखिए ये मेथी है, ये मम्मी ने मेथी सुखा ली थी इस तरीके से, थोड़ी सी ना वैसी हो गई चिचड़ी। अब इसको अच्छे से गूंद लेते हैं, अभी दूध डालते हुए भी मैं दिखाऊंगी, सब कुछ मैंने दिखाया है, बस सेकते हुए भी मैं दिखा दूंगी अगर हो सका तो। क्लिप मिली इधर इधर हो जाती है, देखिए यहाँ पे ना सरस का दूध मिलता है, ये देखिए दूध डाल दिया और टेस्टी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाले। तो चलिए इसको मैं, और ये तेल डाल दिया, अब इसको गूंद लेते हैं। काफ़ी मसाला अच्छा हो जाता है, क्योंकि ना ये सब करके ना वैसी पूड़ी जल्दी ख़राब हो जाती, तार छोड़ने लगती, ये वाली नहीं होती हैं तो मम्मी यही ज़्यादातर बनाती हैं। चलिए बना देती हूँ। हमारे ठाकुर साहब मोमोज लेके आए हैं, ये मतलब ये मसाले वगैरह डाल के किए। हमारे यहाँ तो सुबह शिकागो में ट्यूशन के लिए लेने जाती थी, तभी मैं रोज़ 20-20 रुपए के हम लोग ले आते थे। नए मकान पे रोज़ ले लो, रोज़ खा लो, मोमोज खाने की आदत बहुत बुरी पड़ गई है। ये लो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, आपके छोटे भाई लेके आए, जो भी इतने दिन से बोर गुल्ला नहीं। ये देख इसमें ऐसे पैक करके दिए, हमारे तरफ तो थैली, अपने उधर तो थैली वैली में, और वैसे करके देते, और ऐसे मिक्स नहीं, ऐसे करके गुल्ला सबसे पहले। ये देखो और माँ मम्मी भी बैठी हैं, बंद कर दो। तो पूड़ी बना के रख दी है, ठंडी हो रही है, यहाँ पे हम लोग पेप्सी पी रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।